वेलकम एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक फॉर्म का डेटा हम व्हाट्सएप पे कैसे सेंड कर सकते हैं। नॉर्मली टेक्स्ट मैसेज तो सेंड हो जाता है, बट एक फॉर्म कोई यूज़र फिल करे और उस फॉर्म का डेटा व्हाट्सएप पे कैसे सेंड हो विथ फील्ड नेम, कि नेम ये है, कॉन्टैक्ट नंबर ये है, ईमेल एड्रेस ये है, सुटेबल टाइम ये है, डिटेल ये है, सबमिट करेगा यूज़र, ये व्हाट्सएप पे सेंड हो जाएगा। ठीक है, तो वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर लाइक है तो लाइक कर देना। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक फॉर्म बनाना है। ठीक है, ये फॉर्म मैंने ऑलरेडी डिज़ाइन किया हुआ है, तो यहाँ पे इसके फील्ड नेम हमें रखने हैं और आईडी उसका लेना है। नेम हमें नहीं रखना है, हमें आईडी यूज़ करना है। आईडी इसका नेम है, ठीक है, ये भी हमें आईडी यूज़ करना है क्योंकि मैं इसमें जावास्क्रिप्ट यूज़ करने वाला हूँ, तो वहाँ पे आईडी मेरे को ये चाहिएगा। ठीक है, ये फील्ड के नेम आपको रखने हैं, ये मैंने रख दिया, और ये भी मेरे को रखना है। ठीक है, तो ये आईडी हमने सभी फील्ड की डिफाइन कर दी, जितने भी हमारे फील्ड हैं। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, जावास्क्रिप्ट का कोड बनाना है जो यहाँ से उसका डेटा उठाए और व्हाट्सएप पे सेंड करे। ठीक है, तो उसके लिए मैं फुटर में जाऊंगा और यहाँ पे जाके स्क्रिप्ट वगैरह का, मैं जो जावास्क्रिप्ट का कंसेप्ट रहता है वो मैं अप्लाई कर लूँगा यहाँ पे, SCRIPT स्क्रिप्ट, यहाँ पे स्क्रिप्ट आएगा SCRIPT। ठीक है, जावास्क्रिप्ट आपको आता ही होगा, तो आप वही सिंटैक्स यहाँ पे हम यूज़ करना है, ये स्क्रिप्ट हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। ठीक है, इसके बीच में जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को एक फंक्शन बनाना है, तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन व्हाट्सएप करके मैंने एक फंक्शन बनाया। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल नेम लिया, मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, ये फंक्शन आपको पता ही है कैसे काम करता है। यहाँ पे मैं फील्ड का आईडी दे दूँगा। ठीक है, नेम मैंने दिया, यहाँ पे वैल्यू करना है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने कर दिया। ऐसे ही सारा जो फील्ड है हमारे वो सब लेना पड़ेगा, तो मैं इसका क्या करें, मैं कॉपी करता हूँ और दो तीन, सॉरी ज़्यादा बड़ा हुआ है। ठीक है, आई थिंक हमारे 5-6 फील्ड हैं, तो वो सब यहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं वेरिएबल ले लिया मैंने ईमेल, ठीक है, ईमेल मैंने लिया, यहाँ पे फ़ोन नंबर, मेरा फ़ोन, और यहाँ पे लिया मैंने डेट। ठीक है, यहाँ पे मैसेज मैंने लिया, यहाँ पे हमारा जो हमने वहाँ पे आईडी डिफाइन की थी वो सब ले लेंगे। ईमेल यहाँ पे करना है, फोन यहाँ पे, डेट ठीक है, यहाँ पे कर लेंगे हम मैसेज, मैसेज या डिटेल जो भी, वट एवर आपके जो फील्ड का नेम है वो यहाँ पे आप ले सकते हैं। अब मेरे को यहाँ पे एक व्हाट्सएप का लिंक भी देना पड़ेगा जिसके थ्रू हमारा मैसेज जाएगा। तो पहले तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे उसका जो व्हाट्सएप का लिंक है वो पेस्ट मैंने कर दिया। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप का लिंक है, यहाँ पे आपको जिस मोबाइल नंबर पे सेंड करना है वो यहाँ पे आपको देना है विद 91। ठीक है, टेक्स्ट में टेक्स्ट देना है जो हमें व्हाट्सएप में भेजना है टेक्स्ट मैसेज, यहाँ पे मेरे को देना है प्लस करना है, और मेरे को जो मेरा वहाँ पे फील्ड देना है जैसे नेम है। ठीक है, नेम के बाद हमारा नेम आएगा ये वेरिएबल, ये वाला जो वेरिएबल है ये वेरिएबल आएगा यहाँ पे, इसके बाद प्लस कर देंगे, और यहाँ पे हम लगा देंगे ब्रेक लाइन वाला ऑपरेटर जिससे लाइन ब्रेक होके आए। तो यहाँ पे जो लाइन ब्रेक होगी मैं वो कोड पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे,
ये चीज ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इसी तरीके से सारे फील्ड आपको लेने हैं ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और जितने भी मेरे फील्ड हैं यहाँ पे बना लेता हूँ। पांच है ना, पांच है, मैंने कर लिया यहाँ पे। और यहाँ पे मैं सारा डिटेल इसका फिल कर देता हूँ, क्या क्या मेरे को इसका नाम लेना है गाइस। ये मैं लेता हूँ, यहाँ पे मेरे को लेना है ईमेल लिया और फ़ोन लिया ठीक है। फ़ोन लिया और उसके बाद लिया मैंने डेट, डेट के बाद लेना है मेरे को मैसेज, मैसेज उसके बाद मैं कोलन भी लगा देता हूँ, थोड़ा वो स्पेस देना चाहिए कंटेंट के बाद में ठीक है। जब भी पता चलेगा कंटेंट से पहले थोड़ा स्पेस होके आएगा ये ठीक है। अभी मैं स्पेस दे देता हूँ ठीक है। अब यहाँ पे ये वेरिएबल है हमारा, ये रिप्लेस करना है आपको यहाँ से, यहाँ पे ईमेल कर देना है, ये ईमेल यहाँ पे कर देना है, फ़ोन नंबर, फ़ोन डेट कर देना है यहाँ पे ठीक है। मैसेज, मैसेज तो ये मैंने कर दिया। ये जो हमने यूज़ किया ये लाइन ब्रेक करने के लिए यूज़ किया है हमने, जो है ये हेक्साडेसिमल कोड जो है ठीक है। तो इसको अब देख लेते हैं एक बार, पहले तो इसके फील्ड देख लेते हैं। फील्ड का नाम मैंने क्या क्या रखा है, नेम है फ़ोन ईमेल, एंड इसका नेम क्या है, इसका नेम ये गलत रख कर दिया, इसका डेट कर देते हैं ठीक है। यहाँ पे डेट लिया हमने और यहाँ पे मैसेज, तो आई थिंक ये चल जाना चाहिए अब, कोई अगर एरर नहीं आई तो चल जाएगा। हाँ एक चीज़ रह गई है, ऑन क्लिक पे ये फंक्शन हमें कॉल करना है, बटन की ऑन क्लिक इवेंट पे यहाँ पे। तो मैं ऑन ऑन क्लिक दे देता हूँ, ऑन क्लिक मैंने दिया व्हाट्सएप, व्हाट्सएप ठीक है। तो ये चल जाना चाहिए, अब देखते हैं क्या करते हैं इसको। मैं सबमिट पर क्लिक किया मैंने, तो थोड़ा टाइम ले रहा है। यहाँ पे एक चीज़ और करनी है हमें, ये टाइप इसका बटन लेना है गाइस, क्योंकि अगर हम सबमिट लेंगे ना तो ये एक्शन पे जाएगा, तो वहाँ से यूआरएल पे, जो यूआरएल पे होगा वहाँ पे जाएगा। तो हम यहाँ पे बटन ले लेते हैं इसकी आईडी, तो अब देखते हैं इसको रिफ्रेश करके ठीक है। अभी ये काम नहीं कर रहा है, इट मीन्स कुछ एरर है। हम यहाँ पे विंडो डॉट ओपन लगाना भूल गए हैं गाइस ठीक है। हमें विंडो को ओपन भी तो कराना है और उसके यूआरएल पे भेजना भी तो है ना, हमने वैल्यू तो यहाँ पे ली है, इसको कुछ यूआरएल पे तो भेजा है नहीं इसमें। तो हम विंडो का यूज़ करेंगे, डॉट ओपन ठीक है। यहाँ पे हम यूआरएल देंगे जहाँ पे हमें इसको भेजना है ठीक है, ये वाला यूआरएल। तो यहाँ पे जो यू आर एल है यहाँ के, इसके बाद हमें हमें देना है अंडरस्कोर ब्लैंक, वो नेक्स्ट टैब में खुल गया है ठीक है। ये मैंने गलत लगा दिया, ये सब नहीं लगेगा। और यहाँ पे देना है हमें एक फोकस करके, फोकस करके ये फंक्शन होता है फोकस के लिए ठीक है। यहाँ पे ये सब भी हमें हटाना पड़ेगा और यहाँ पे इसको बंद करना पड़ेगा जब ये चलेगा, और वो एक्चुअली विंडो होता है, विंडोज़ नहीं होता। यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगाना भी भूल गया हूँ ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट्स आएंगे, ये बंद होगा क्योंकि फंक्शन ये जब ही बनेगा प्रॉपरली तो उसके बाद ये चल पाएगा। तो अब इसको चला के देखते हैं ठीक है। मैंने यहाँ पे अपना नाम दिया, कॉन्टैक्ट नंबर दिया, ये दिया ठीक है, और यहाँ पे डेट दिया और ये सब दिया, टेक्स्ट सबमिट पर मैंने क्लिक किया। तो आप देख रहे हो ये डेस्कटॉप की स्क्रीन आ रही है, लैपटॉप की, यहाँ पे डेटा आ गया है। कंटिन्यू चैट करूँगा तो ये वेब पे जाएगा ठीक है। यूज़ व्हाट्सअप, वो ये डिपेंड करता है आप मतलब लैपटॉप पे यूज़ कर रहे हो मोबाइल पे यूज़ कर रहे हो। अब ये मेरी स्क्रीन पे चला जाएगा यहाँ पे, बट अभी मैं चाहता हूँ जो हमारे जो फील्ड नेम रहे वो बोल्ड हो गया है ठीक है। तो बोल्ड के लिए यहाँ पे हमें स्टार का यूज़ करना पड़ेगा, व्हाट्सअप के कुछ ऑपरेटर होते हैं ये चीज़ों को बोल्ड करते हैं, टेक्स्ट को बोल्ड करके दे देते हैं ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये सब मैं लगा देता हूँ स्टार यहाँ पे, तो इससे ना हमारा टेक्स्ट बोल्ड होके आएगा इस टाइप से।
ये जो मैसेज, ये जो हेडिंग है, ये बोल्ड हो के आएंगे। अब मैं दोबारा करता हूँ, ठीक है। मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो ये सब आ गया है। अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ तो ये सारा डेटा उसमें आ जाएगा। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। सो ऐसा आपका व्हाट्सएप मैसेज आएगा बोल्ड होके, ठीक है। ये मैंने आपको सब इसमें बता दिया है। वीडियो अगर लाइक है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।